अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही सपा, आम आदमी पार्टी और यूपी की विपक्षी पार्टियों ने जमीन खरीद में घोटालों के आरोप लगाए थे। तब कहा गया था कि एक ही जमीन को कुछ मिनटों के अंतराल में 16 करोड़ से ज्यादा में खरीद लिया गया। इस पर राम मंदिर ट्रस्ट ने सफाई भी दी। अब खुलासा हुआ है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने कथित तौर पर नजूल के जमीन को 2.5 करोड़ में खरीद लिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदने से पहले ये देखा नहीं कि उस जमीन का इतिहास क्या है। मैं बताती हूँ आपको कि पूरा मामला क्या है। अयोध्या में जिस जगह श्री राम मंदिर के पास की जमीन को काफी ऊंचे दामों पर खरीदा गया है, वह राम मंदिर निर्माण स्थल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर कोट रामचंद्र इलाके में है। इसको श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ने ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। विपक्ष ने इस जमीन को लेकर के आरोप लगाए हैं कि जमीन की रजिस्ट्री के कागजात के मुताबिक अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीपा नारायण उपाध्याय ने जमीन देवेंद्र प्रसाद चार्य से 20 लाख रुपए में खरीदी थी और कुछ महीनों के बाद ही ट्रस्ट को ये 2.5 करोड़ में बेच दी गई। अब ये भी सवाल है कि ट्रस्ट ने कैसे खरीद ली नजूल की जमीन। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये जमीन सरकारी है, इसे तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक ये जमीन फ्री होल्ड ना हो जाए। अयोध्या के जो सब रजिस्ट्रार हैं SB सिंह, उनके जरिए एक बात निकल के आ रही है जिसका लबोलब ये है कि नजूल जमीन सरकारी होती है, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता जब तक कि फ्री होल्ड ना हो जाए। आप उसे इंजॉय कर सकते हैं लेकिन इस पर मालिकाना हक नहीं जता सकते। लाइक आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे भी नजूल जमीन पर ढाबे बने होते हैं या कोई और चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे गिरा दिया जाता है। इसलिए नजूल की या किसी ज़मीन की रजिस्ट्री तो हो जाएगी क्योंकि हमारी जिम्मेदारी लेख पत्र की नहीं होती, लेकिन नजूल की सरकारी ज़मीन पर खरीदने वाले का मालिकाना हक नहीं होगा जब तक ज़मीन दाखिल खारिज ना हो जाए। और SB सिंह आगे ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह नजूल या विवादित जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है तो जमीन खरीदने वाला कोर्ट में केस करके सिर्फ अपने पैसे ही वापस ले सकता है। अब किस तरह ट्रस्ट ने बिना जांच पड़ताल के जमीन खरीद ली है ये ट्रस्ट ही बता सकता है, लेकिन सरकारी जमीन पे बिना फ्री होल्ड हुए मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता। जहाँ तक रजिस्ट्री का सवाल है तो ट्रस्ट ने 2 बार रजिस्ट्री क्यों करवाई है ये ट्रस्ट के जानने का काम है। स्टाम्प पत तो उन्हें मिल गया है, कितनी बार रजिस्ट्री होगी उसका स्टाम्प का पैसा हमें मिलेगा। हो सकता है कि इस मामले में कई लोग हों और ट्रस्ट ने ये सोचा हो कि एक को मैनेज करें, सारे मेंढकों को तराजू में कैसे तोला जा सकता है। सब रजिस्ट्रार SB सिंह के मुताबिक सिंह साहब ये भी कहते हैं कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है भले ही बाद में सरकारी या विवादित निकले। ये जिम्मेदारी तो जमीन खरीदने वाले यानी कि इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की है, वो पता करे कि जमीन का स्टेटस क्या है। अब सवाल ये उठता है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने बिना किसी जांच पड़ताल के राम मंदिर के नाम पर आए चंदे के करोड़ों रुपए से विवादित जमीन कैसे और क्यों खरीद ली। वहीं अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद चार्य का कहना है कि अयोध्या के मेयर और उनके भांजे ने राम मंदिर के लिए जमीन लेने की बात की थी और इसके बाद हमने सरकारी जमीन होने के नाते इसे 20 लाख रुपए में उनको बेच दिया। हमें तो पता नहीं कि इस जमीन को 3 महीने के बाद उन लोगों ने ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दिया। एक और खास बात यह है कि जिन 2 बड़ी जमीनों को ट्रस्ट ने खरीदा है उन्हें बेचने वालों से अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का सीधा कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। उनके 2 रिश्तेदारों ने ये जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेची है। इनमें से एक उनका भांजा दीप नारायण उपाध्याय है, दूसरा उनका करीबी रिश्तेदार रवि तिवारी। अब विपक्ष के साथ खड़ी 20 लाख में मेयर के रिश्तेदार को जमीन वाले महंत देवेंद्र प्रसाद ने भी मेयर पर सीधा सवाल उठा दिया है। जब से जमीन की खरीद फरोख्त में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम आया है वे मीडिया से अपना मुंह चरा रहे हैं, उनके सामने नहीं आ रहे, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। एक और बात है, इस पूरे खेल की एक कड़ी है हरीश पाठक। इस पूरे खेल में
जो अहम किरदार है उनका नाम है हरीश पाठक उर्फ हरिदास। पाठक पर अयोध्या में ठगी के कई मामले दर्ज हैं और हैरानी की बात है कि पुलिस के रिकॉर्ड से वो फरार है, लेकिन इसके बाद भी उसका रजिस्ट्री ऑफिस आना जाना लगातार मना रहा। और अब ये भी पता चला है कि ट्रस्ट द्वारा खरीदी हर जमीन में कहीं ना कहीं हरीश पाठक के तार जुड़े हुए हैं। हरीश पाठक ने 25 फरवरी 2009 को फैजाबाद में साकेत गोट फार्मिंग के नाम से एक चिट फंड कंपनी खोली। लगभग 7 साल के बाद लोगों से जमा कराए गए करोड़ों रुपए लेकर के वो भाग निकला। अलग अलग जिलों में इनके नाम धोखाधड़ी, जालसाजी और कई मुकदमे दर्ज हैं। उसकी संपत्ति भी कुर्क कर दी गई है, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। धोखाधड़ी से कमाए पैसे को उसने जमीन की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल किया। अयोध्या रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार एसवी सिंह ने तो यहाँ तक दावा किया है कि हरीश पाठक जो पैसे लेकर भाग निकला था उसी को जमीन में लगा करके उसने पूरा अपना कारोबार खड़ा कर लिया है। अब ये भी जान लीजिए कि हरीश पाठक का सुल्तान अंसारी से क्या कनेक्शन है। जिस शख्स सुल्तान अंसारी का नाम ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ की जमीन कई करोड़ में खरीदने के बाद बीच में लाया गया है, उछाला गया है, वह इरफान अंसारी का बेटा है। इरफान अंसारी भी हरीश पाठक का काफ़ी करीबी रहा है। हरीश पाठक ने जब चिटफंड कंपनी शुरू की थी तो इरफान अंसारी उनके काम काज में हेल्प करता था, उनका हाथ बटाता था। हरीश पाठक ने 2011 में इरफान के साथ मिल करके 1 करोड़ रुपए में विवादित जमीन का एग्रीमेंट करवाया और 2017 में इसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। इसी जमीन का 2019 में इरफान के बेटे सुल्तान अंसारी समेत 9 लोगों ने 2 करोड़ में एग्रीमेंट अपना तैयार कराया। यही जमीन 18 मार्च 2021 यानी कि अब जिस पे बवाल मचा हुआ है, राम मंदिर ट्रस्ट को 2 टुकड़ों में बेची, एक 18.5 करोड़ में और दूसरी 8 करोड़ रुपए में। मतलब 2 करोड़ रुपए की जमीन के लिए तकरीबन 26 करोड़ रुपए चुकाए गए। एक ही दिन में 26 करोड़ की जमीन खरीद का मामला काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, बात यही ख़त्म नहीं हो रही है। ट्रस्ट से मिले पैसे से इरफान अंसारी के ही बेटे सुल्तान अंसारी और अयोध्या मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के करीबी रिश्तेदार रवि तिवारी के साथ फिर से 11 करोड़ 1 लाख की बड़ी विवादित जमीन राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर खरीद ली। और इस समय हरीश पाठक और हरीश दास के फरार होने को लेकर के अयोध्या पुलिस का रवैया भी अब ढीला नजर आ रहा है और वो इस समय खुलेआम घूम रहा है। इस पे थाने के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि ऐसे कितने ही मामले हैं जिनकी पहले कोई चर्चा नहीं थी, अब कागजात निकाले जा रहे हैं। हमारे यहाँ से 2 मुकदमों में फरार है, जिसमें एक मुकदमे में तो जांच अधिकारी ने 2 धाराएं हटा दी हैं और बिना 141 के नोटिस के चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब मामले में अयोध्या के SSP सबकी क्लास लगा रहे हैं, केस की फाइल दफ्तर में मंगवा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा हुआ है, जहाँ यूँ कहिए कि नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी इस मामले पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। वो 2 राउंड जो है वीडियो कॉलिंग से बात भी कर चुके हैं इस पूरे मामले पे। अब इसके बाद अयोध्या में IB की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, सभी अफसरों से फाइलें मंगवाई जा रही हैं, खासकर उस सरकारी दफ्तर से जो सरकारी ज़मीनों का मामला देखता है। और देखना यह है कि इसमें अब आगे होता क्या है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं और सब चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी पूरी मॉनिटरिंग किए हुए हैं। IB की टीम वहाँ पहुँची हुई है। इस मामले में जो भी और जानकारी होगी मैं आपको देती रहूँगी। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।